देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। कृषि विभाग उर्वरक प्रदर्शन योजना में किसानों को खुलेआम चूना लगाया जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुना जिले के आरोन तहसील की। यहां पर किसानों को खुलेआम चूना लगाया जा रहा है। सरकार की योजना उड़द प्रदर्शन में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद 6200 में 20 किलो उड़द, एक पंप दवाई डालने वाला एवं कई कीटनाशक दवाई किसानों को वितरित करनी थी, जो कि सरकार की तरफ से आई थी। वे दवाई किसानों को वितरित नहीं की जा रही और मार्केट में से खरीद कर दूसरी दवाई किसानों को वितरित की जा रही है। वहीं किसानों ने आरोप लगाया है कि हमें कीटनाशक दवाई कम दी जा रही है और यह आरोप लगाया है कि कृषि विभाग आरोन का संचालक भदौरिया 6200 के बजाय 6250 किसानों से वसूल रहा है और किसानों को दर दर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कई किसानों से यह कहकर मना कर दिया जाता है कि दवाई खत्म हो गई है, वहीं रसीद एवं बिल मांगने पर मना कर दिया जाता है। प्रदर्शनीय बीज था उड़द का, वो लिया है, उसमें मुझे 20 किलो उड़द दिए और कुछ दवाई दी है। इसे पहले 6300 मांग रहा है, फिर 6250 जमा कराए, रसीद कुछ नहीं दी। जो है इसमें दवाई 20 किलो उड़द जो है 6200 रुपये में है, इसमें भी 150 रुपये कुछ ज़्यादा ले रहा है और इससे ज़्यादा भी ले रहा है। ऐसी जानकारी लगी है किसानों से और सरकार तो किसानों के लिए भरपूर सहयोग दे रही है, अनेक योजनाएं चला रही है, लेकिन निचले स्तर की तो कर्मचारी हैं, सारी योजनाओं को पलीता लगाते हैं, कहीं ना कहीं किसान को ठगने की कोशिश करते हैं। खबर समय जगत के लिए आरोन से राकेश जैन की रिपोर्ट। शुभकामना देता हूँ समय जगत को, समय जगत के परिवार को पुनः शुभकामना देता हूँ कि जनता के बीच में आप जाए, जनता की विश्वसनीयता के साथ और जनता की बातों को जनता के बीच में दिखाएं। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी कड़ी और आप और जनता के बीच में कड़ी साबित होगी। धन्यवाद। बहुत प्रसन्नता की बात है कि समय जगत समूह वेब पोर्टल शुरू कर चुका है और बहुत जल्दी चैनल शुरू करने जा रहा है। हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, जिस तरह वो प्रिंट मीडिया के जरिए जनता तक सही जानकारी, सही सूचना पहुंचाते रहें, जन जागरण करते रहें, उसी तरह उनका चैनल भी सफल हो, उनका वेब पोर्टल भी सफल हो और जन जागरण के काम में आगे बढ़ता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।